राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य की गहलोत सरकार सख्ती की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की गहलोत सरकार आज नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग ने सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद गाइडलाइन जारी की। 5 से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए विशेष गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराएंगे। प्रदेश में कोरोना के संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति और धार्मिक स्थलों पर ये SOP पालन करनी होगी। रेस्टोरेंट में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी, परंतु रेस्टोरेंट से टेक अवे एंड डिलीवरी पर ये लागू नहीं होगा। विवाह संबंधी योजनाओं में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। COVID-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा। anti-COVID-19 टीमों का गठन किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर कोविड संक्रमण की स्थिति के आकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में रात्रकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगे, परंतु रात्रि 8 बजे से पूर्व एवं प्रातः 6 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।